इसलिए हमको भेजना प्राइवेट है, जब भी नहीं पाता तो फिर हम एक नई कॉलोनी फंसाते, जैसे आप ड्राइवर 50 मिल जाए तो बनाना शुरू कर देंगे। देखिए, जो अधिकारी थे पिछली सरकारों बहुत बेलगाम, उन पर हम लोग लगातार नकेल कस रहे हैं, इसीलिए प्रेरणा लाया गया है। पार्टी ने कुछ बिल्डर्स को नोटिस तक जारी किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वेरा भी आपका बिल्कुल निष्क्रिय दिख रहा है, अभी तक कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करते दिख रहे हैं। नहीं, रेरा का गठन अभी बहुत जल्द हुआ है, लेकिन जब से रेरा आया है वो लगातार काम कर रहा है। जो इसमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे उसको पिछली सरकार ने बात अब यहाँ इस तरह है, जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत ज्यादा रहे तब भी चलेगा, इसलिए हमको बेचना तो प्राइवेट में है ना, मिल जाएगी। जब बिक नहीं पाता तो फिर खरीदा नहीं। जो गाजियाबाद में बिल्डिंग धराशाही हुई है, ग्रेटर नोएडा में गिरी है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिनकी मृत्यु हुई है उनको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, और जो भी उसमें अधिकारी दोषी होंगे और जो बिल्डर दोषी है तो लगभग उसमें कल तक 4 से 5 लोग मानक के अनुरूप है, उनको एनओसी जारी कर दी जाती है कमर्शियल इस्तेमाल की, लेकिन जबकि वो एक भी मानक पूरे, कई बिल्डिंगें अभी भी मौजूद है जिसमें लोग रह रहे हैं, ऐसी बिल्डिंगों को क्या खाली कराया जाएगा? इस पर लगातार कार्रवाई हो रही है, जो आवासीय है उस पर कमर्शियल यूज नहीं हो सकता, और जिनमें कमर्शियल यूज हो रहा है, आप लखनऊ में देख लीजिए, चाहे पत्रकारपुरम की बात कर लीजिए,